जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ रहे थे और इस फिजिक्स में हम सरल रेखीय पथ पर गति पढ़ रहे थे जिसकी फर्स्ट वीडियो बन गई है, जरूर देख लीजिएगा। ये आज के इस क्लास में हम लोग इस सेकेंड वीडियो होने वाली है। सेकेंड वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होता है, त्वरण क्या होता है। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सीखे थे कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जरूर देख लीजिएगा उसको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखेंगे अब दूरी, डिस्टेंस क्या होता है। जब भी कोई गतिशील वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो वो कुछ न कुछ लंबाई तय करेगी, उसी लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे एक वस्तु यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करी और ए से बी तक पहुँचने में मान लेते हैं कि इसके 3 किलोमीटर है दूरी। ए से बी जाने में कितना किलोमीटर दूरी है? लंबाई 3 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर मान लेते हैं 5 किलोमीटर। तो ये जो पूरी दूरी होगी ये पूरी लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यहाँ से इतनी लंबाई, फिर इतनी लंबाई, फिर ये लंबाई, इन सब लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक पूछे तो क्या होगा? दूरी लंबाई है। दूरी क्या है भैया? लंबाई है। लंबाई को ही दूरी कहते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी का भी एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा, क्योंकि दूरी ही लंबाई है। तो मात्रक की बात करें तो ये इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। दूरी की बीमा पूछेगा, बीमा। दूरी का बीमा क्या होगा? तो दूरी का जो बीमा होगा वो लंबाई के बीमा के बराबर होगा, और लंबाई का बीमा होता है एल, तो दूरी का भी बीमा क्या होगा? एल होगा। समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या होता है? समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। दूरी धनात्मक हमेशा होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। यह कभी निगेटिव नहीं होती है और कभी शून्य भी नहीं हो सकती। जैसे जब भी चलेंगे, जैसे यहाँ से एक रास्ता पर इधर चले 5 किलोमीटर, फिर इधर चले गए 8 किलोमीटर, फिर यहाँ से वापस लौट आए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वापस लौट आए, तो अब दूरी कितना होगा? तो 5 किलोमीटर ये और 8 किलोमीटर ये, 8 5 13, 13 किलोमीटर में 2 किलोमीटर वापस चलाया। अब यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितना हो गया? अब ये पूछेगा कि कितना कुल टोटल कितना दूरी तय किया? तो 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, 13 और 2 किलोमीटर वापस आ गया, ये भी दूरी कहलाएगा। 8 5 13, 13 2 15, कुल कितना दूरी कवर कर लिया? 15 किलोमीटर। ये कभी दूरी ऋणात्मक होता है नहीं है, हमेशा क्या होता है? धनात्मक होगा। वो आगे जाए, पीछे जाए, कहीं आए, कहीं जाए, सब दूरी को जोड़ लेंगे। जितनी दूरियाँ होती है सबका होती है धनात्मक होती है। क्लियर? अब हम आगे समझते हैं। हम लोग दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी को समझने के लिए इसके डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। दूरी बताने के लिए डायरेक्शन होने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है। तो दूरी बताने के लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए यह कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका बीमा क्या होता है? एल। और मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। देखिए मान लेते एक वस्तु यहां से यहां तक गई, पुनः इधर चली गई, 4 किलोमीटर इधर गई, 5 किलोमीटर इधर गई, तो ये तो सब दूरी कहलाएगा। पूरा पूछेगा कि दूरी क्या होगा? तो 4 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, 5 4 9 किलोमीटर। ये वस्तु कितना दूरी तय कर लिया? 9 किलोमीटर। समझ में आ गया। लेकिन विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन उसे कहते हैं कि जब कोई गतिशील वस्तु किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उन दूरियों में उनके न्यूनतम बीच की दूरी ही विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया ना, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम जो दूरी होगी, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो एक कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है, शॉर्टकट।
शॉर्टकट ही दूरी का गलत है, विस्थापन का गलत है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसमें से न्यूनतम जो दूरी कहलाएगी उसी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन भी दूरी होता है, विस्थापन भी क्या होता है, दूरी होता है, लेकिन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का विमात्रक मीटर होता है, ये विस्थापन एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसको बताने के लिए एक खास तौर से एक डायरेक्शन की जरूरत है कि इसी साइड में होगा ये, समझा गया। तो दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है एसआई मात्रक, और विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। बीमा उसका भी एल होता है, इसका भी एल होता है, क्लियर। चलिए अब पूछेगा कि दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं कि नहीं। दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे, जैसे यहां से कोई वस्तु चली और यहां पहुंची, ए से चलकर बी तक पहुंच गए। पूछेगा कि इसकी दूरी क्या होगी, तो मान लेते हैं 10 किलोमीटर चली, तो इसकी जो दूरी होगी 10 किलोमीटर होगी। पूछेगा विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन अगर यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम अगर बीच की दूरी 10 किलोमीटर है तो ये दूरी ही विस्थापन कहलाएगा, विस्थापन ही दूरी कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्लियर। पूछेगा दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं, एक सीधी रेखा पर। एक सीधी रेखा पर दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक। वैसे तो हमेशा दूरी ही बड़ी होती है विस्थापन से, हमेशा दूरी बड़ी होती है। जैसे दूरी और इधर विस्थापन की बात करें, दूरी और विस्थापन, दूरी बड़ा हो सकती है विस्थापन से और कभी कभी बराबर भी हो सकती है। विस्थापन से हमेशा दूरी क्या होती है, बड़ा, और कभी कभी बराबर भी हो सकती है, क्लियर। कब बराबर होती है, एक सीधी रेखा पर। एक सीधी रेखा पर दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको, और यहाँ से यहाँ तक जाने में एक ही रास्ता है, तो इसी रास्ता को दूरी भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन भी कहेंगे। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, ठीक है। चलिए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों हो सकता है। विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों हो सकते हैं, क्लियर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों होगा, क्लियर। तो कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा, ठीक है। तो विस्थापन धनात्मक तभी होगा जब कोई गतिशील वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में अगर हम लोग विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं तो उस टाइम विस्थापन धनात्मक होगा। जैसे ए से बी जाने में जो विस्थापन हम लोग ज्ञात करेंगे वो धनात्मक विस्थापन होगा। कैसा विस्थापन होगा, धनात्मक विस्थापन होगा। अगर जिस डायरेक्शन में गति कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग विस्थापन को ज्ञात कर रहे हैं तो उस टाइम धनात्मक विस्थापन कहलाएगा। ऋणात्मक विस्थापन किसे कहते हैं, जैसे कोई गतिशील वस्तु इधर से यहाँ चली ए से लेकर बी तक, फिर बी से चली इधर सी तक, फिर यहाँ से ऐसे आ गई, ठीक है, यहाँ डी पर, फिर इधर चली गई ई तक। अब पूछेगा कि इस गतिशील वस्तु का विस्थापन क्या होगा, विस्थापन, तो ये तो दूरी कहलाएगा, या इसे इसे नापेंगे तो दूरी कहलाएगा, लेकिन विस्थापन क्या कहलाएगा कि इन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। तो इस टाइम ये विस्थापन कहलाएगा, इस टाइम ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। ए से लेकर ई तक के बीच की जो दूरी होगी वही विस्थापन कहलाएगा, लेकिन इस टाइम जो विस्थापन होगा, वस्तु तो इधर चलना स्टार्ट की थी लेकिन विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं इसके विपरीत साइड में, तो विपरीत साइड में यदि ज्ञात करेंगे तो इस टाइम विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसीलिए विस्थापन एक सदिश राशि होता है। विस्थापन एक कैसी राशि होता है, सदिश राशि, क्लियर। तो ऋणात्मक विस्थापन समझ गए, धनात्मक विस्थापन भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि शून्य विस्थापन कब होता है, विस्थापन शून्य कब होता है। तो विस्थापन शून्य तभी होता है जब कोई वस्तु वहीं से चलकर फिर वहीं आकर रुक जाए। जैसे ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे जाया जाएगा, फिर घूम फिर के फिर यहीं पे आ गया, तो इस टाइम विस्थापन का होगा जीरो। मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट करे फिर घूम कर फिर वहीं आ जाए तो उस टाइम विस्थापन शून्य होता है, क्लियर। तो पूछेगा कि विस्थापन शून्य कब होता है, तो एक वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा होने में, एक चक्कर जब भी पूरा हो जाएगा वृत्तीय पथ पर एक चक्कर, तो उस टाइम जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। जैसे ये एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से कोई खिलाड़ी चलना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से जब ये दौड़ेगा ऐसे 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 दौड़ दौड़ के फिर आके फिर यहीं पे
अगर यहाँ रुक गया तो इस टाइम विस्थापन का होगा जीरो होगा, कहें कि यहीं से चला फिरेंगे आ गया तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ आके रुक गया पॉइंट बी पर, तो इस टाइम विस्थापन का हुआ, ये तो दूरी का लगेगा, लेकिन इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या का लगेगा, विस्थापन का लगेगा। ठीक है, तो एक वृत्तकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा होने में विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक चक्कर पूरा होने में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर, जब भी कोई वस्तु जहां से चलना स्टार्ट करे फिर वहीं पे आके रुक जा रही है तो इसका उस टाइम विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जहां से चली वहीं आकर अगर रुकेगी तो विस्थापन जीरो होगा, या वृत्तकार पथ पर एक चक्कर पूरा होने में विस्थापन शून्य होता है। अब तो समझ ही गए होंगे कि वृत्तीय चक्र पर एक चक्कर पूरा होगा तो विस्थापन इस टाइम जीरो होगा, तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्लियर, ठीक। विस्थापन और दूरी जो होता है इसका जो अनुपात बोले, विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है ये हमेशा एक से बड़ा होता है। जैसे दूरी में विस्थापन से भाग देंगे, दूरी में विस्थापन से भाग देंगे तो ये हमेशा एक या एक से बड़ा आएगा, एक या एक से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ लिए हैं कि जो दूरी होता है वो विस्थापन से बड़ा होता है या कभी कभी बराबर होता है। बराबर कब होता है, जब एक सीधी रेखा पर, सीधी रेखा पर दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि चाल क्या होता है। चाल स्पीड, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई लंबाई या दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक चल, ठीक है, ए से चल रही है बी तक, ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, ए से बी तक जाने में दो घंटा ले लिया, तो वस्तु की चाल क्या होगी, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। एकांक समय में जब चलेगी, एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल। तो यहाँ से चाल पूछेगा तो दूरी कितना है, 10 किलोमीटर, और समय कितना लिया, 2, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई लंबाई या दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल एक अदिश राशि होती है, चाल एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब समझते हैं चाल के बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक समान चाल किसे कहते हैं, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल किसे कहते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जब भी कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगी तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाएगी। मानते ए बी सी डी ई, यहां के बीच की जो दूरी है 15 किलोमीटर, ए और बी के बीच की दूरी 15 किलोमीटर, बी और सी के बीच की भी दूरी 15 किलोमीटर, सब दूरी 15 किलोमीटर, और इनके बीच में जाने में तीन घंटा लेती है। 15 किलोमीटर जाने में क्या घंटा, 3 घंटा, बहुत स्लो चल रही है, 3 घंटा लेगी। ठीक है, तो जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में, हर जगह समय क्या है भैया, समान समय में समान दूरी तय करेगी, हर 3 घंटा में 15 किलोमीटर, हर 3 घंटा में ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगी तो उसकी जो चाल होगी एक समान चाल कहलाएगी। क्लियर हो गया होगा कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगी तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, इसी का सीधे उल्टा है असमान चाल, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें समान समय में समान दूरी तय कर रही थी, अब इसमें समान समय में अलग अलग दूरी या अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करेगी। जैसे
एक घंटा में 5 किलोमीटर, अगला 2 घंटा में 15 किलोमीटर चले गए, फिर 3 घंटा में 20 किलोमीटर मान लेते चले गए। तो इस सब अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय कर रही है, तो यहाँ भी असमान चाल होगी, या समान समय में भी अलग अलग दूरी तय कर सकती है। जैसे हर दो घंटा चल रही है, ये 2 घंटा में एक बार 15 किलोमीटर, 2 घंटा में एक बार 2 घंटा में 5 किलोमीटर, एक बार 15 किलोमीटर, या 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो इस टाइम इसकी जो चाल होगी वो असमान चाल होगी। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उस टाइम असमान चाल कहलाती है, और जब समान समय में समान दूरी तय करती है तो एक समान चाल कहलाती है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि समान और असमान चाल क्या होता है। अब समझते हैं औसत चाल किसे कहते हैं। औसत चाल, औसत चाल, एवरेज, एवरेज स्पीड, औसत चाल किसे कहते हैं। जब भी कोई गतिशील वस्तु जो दूरी तय करती है और जितना समय लेती है, अलग अलग दूरी तय करती है, अलग अलग समय लेती है, तो औसत चाल किसे कहते हैं। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा लिया गया कुल, तय किया गया कुल दूरी तथा लिया गया कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर जाने में 3 घंटा ले रही है, अगला 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटा ले रही है, फिर 20 किलोमीटर जाने में 3 घंटा ले ली। अब पूछेगा इसकी औसत चाल क्या होगी, तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जोड़ देंगे 20, 10, 30, 30, 5, 35, कुल दूरी कितना हो गई 35, और कुल समय चाहिए तो 3, 3, 6 और 6, 5, 11 भाग दे देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी औसत चाल निकल जाएगी। क्लियर, तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं औसत चाल के बाद तात्क्षणिक चाल क्या होती है। तात्क्षणिक चाल किसी गतिशील वस्तु की किसी समय की चाल, किसी गतिशील वस्तु के उसी समय की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल को ओडोमीटर से मापते हैं, ओडोमीटर। तात्क्षणिक चाल को किससे मापते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर को स्पीडोमीटर भी कहते हैं, स्पीडोमीटर। समझ में आ गया? ओडोमीटर क्या होता है कि जो भी कोई गतिशील वस्तु होती है, बस, ट्रक, उसमें जो मीटर लगा रहता है इसे, उसी को ओडोमीटर कहते हैं। पहले 0 होता है, फिर 10, 15, 20 ऐसे होता है, 20, फिर 30, 40। तो जो इसमें जो मीटर लगा होता है, वो जो जिस चाल को नाप रहा है उस चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, क्योंकि वो किसी ने किस टाइम वो 20 पर चल रही है, किस टाइम 25 पर चल रही है, किस टाइम 30 पर चल रही है, उसकी जो चाल उस टाइम वो नाप रहा है उसकी तात्क्षणिक चाल को नाप रहा है। तो किसी गतिशील वस्तु का उसी समय की जो चाल होती है वो तात्क्षणिक चाल कहलाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वेग क्या होता है, वेग किसे कहते हैं। चाल तो समझ लेंगे, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग, वेग किसे कहते हैं, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो कह सकते हैं वेग का परिभाषा कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और लिए गए समय के अनुपात को वेग कहते हैं, या समय को एकांक मान ले जाए। समय को क्या मान ले जाए? एकांक। समय को एकांक मान ले जाए तब किसी गतिशील वस्तु एकांक समय में चली तय किया गया विस्थापन ही वस्तु का वेग कहलाता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका बीमा की बात करें तो मीटर है तो इसका बीमा एल होगा, और समय का बीमा सेकंड होगा।
टाइम टाइम, तो इसका बीमा हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग आगे इसके कि वेग जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। वेग कैसी राशि होता है? सदिश, क्योंकि इसमें विस्थापन एक सदिश राशि होता है, इस वजह से वेग भी क्या हो जाता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, ठीक है। अब विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है, और विस्थापन शून्य भी होता है। ठीक है, इसलिए वेग भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेग के कई प्रकार होते हैं। एक समान वेग, जैसे चाल का प्रकार होते हैं वैसे भी वेग के प्रकार होते हैं। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, ऐसे होते। तो पहले नंबर पर समझते हैं हम लोग एक समान वेग। एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा का नंबर को होगा असमान वेग। असमान वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद औसत वेग, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी। और उसके बाद हुआ तत्क्षणिक, तत्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेग वेलोसिटी। सुनिए, एक समान वेग किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान विस्थापित होती है, समान समय में समान विस्थापन तय करती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में दो मिनट लगा, और यह विस्थापन जो तय किया, मान लेते हैं कि दो किलोमीटर का तय किया, फिर यहाँ से यहाँ जाने में दो मिनट लिया और विस्थापन दो किलोमीटर का तय किया, मतलब सब हर जगह एक निश्चित समय में बराबर दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करेगा। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करेगी तो उस टाइम उसका जो वेग होगा वो एक समान वेग होगा। ठीक है, और जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में अलग अलग या अलग अलग समय में अलग अलग विस्थापित होगी तो उस टाइम असमान वेग होगा। जैसे कभी मान लेते हैं कि एक घंटा में 40 किलोमीटर चली, फिर अगले दो घंटा में 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली, अगला 3 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी पे, तो अलग अलग समय में अलग अलग जब विस्थापित होगी तो उस टाइम असमान वेग होगा। तो जब कोई गतिशील वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग विस्थापित होगी या समान समय में भी अलग अलग विस्थापित होगी तो उस टाइम असमान वेग होगा। औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और लिया गया कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और लिया गया कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्लियर है? तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? तो किसी गतिशील वस्तु के किसी क्षण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग के लिए एक फॉर्मूला होता है V=ΔS/ΔT, और इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये DS/dt बन जाता है। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण का जो वेग होगा उसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग, या इसको नापते हैं ओडोमीटर से। किसे मापते हैं? ओडोमीटर या स्पीडोमीटर से। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।